फैट टू फिट इंडिया यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप सिंह नेगी। आज जो हमारा डिस्कशन होने जा रहा है वो मेटाबॉलिज्म पे होने जा रहा है। मैं मेटाबॉलिज्म में आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा और ना ही ज्यादा साइंटिफिक वे की तरफ जाऊंगा। बस मैं एक छोटे से रीजन बता रहा हूं आपको, मेटाबॉलिज्म स्लो होता किनका है। जब भी आपका टमी बाहर आ जाता है तो आप यह ध्यान रखिएगा कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म स्लो में होता क्या है, आप कम भी खाते हैं आपकी बॉडी को सूट करता है, आप बहुत दिन अगर फास्ट भी रख लेंगे तो भी आपकी बॉडी में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। इसी के अपोजिट कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत पतले होते हैं और वो लॉट्स ऑफ खाते हैं, सारा फैट भी खाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वो कितना भी खा लें उनकी बॉडी में कोई गेनिंग नहीं होती, कुछ नहीं होती। उसका कारण है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। तो अगर हमारा बॉडी वेट हमारी हाइट से 15 से 20 किलो ज्यादा चल रहा है तो आप 101% आपका मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा। तो चलिए, अब हमें ये तो पता चल गया है कि मेटाबॉलिज्म स्लो और फास्ट किनका होता है, लेकिन अब हम अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक कैसे करें। मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए आप कार्डियो वर्कआउट करें। आप ग्राउंड में वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, जॉग कर सकते हैं, आप फुटबॉल खेल सकते हैं, आप वॉलीबॉल खेल सकते हैं, आप क्रिकेट खेल सकते हैं, आप साइकिल चला सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी जो कार्डियो से रिलेटेड होती है वो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है। कार्डियो से आपकी ऑल ओवर बॉडी वार्म होगी, ब्लड सर्कुलेट होगा और अच्छी स्वेटिंग होगी जो आपकी मदद करेगी मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए। मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए डाइट में आपको प्रोटीन डाइट जरूर लेनी है। आपकी जो भी मील है उसमें प्रोटीन ऐड होना चाहिए क्योंकि प्रोटीन ने ही मसल को भी कवर करना है। आप इसमें वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं अगर आप जिम में हैं तो। एक तो आपकी मसल डेवलप होगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी फिजीक अच्छी होगी और ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगी जो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करने में आपकी मदद करेगी। जैसे ही आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होना स्टार्ट होगा आप देखेंगे अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट लॉस होने लगेगा और आपकी बॉडी में चेंजेस आपको दिखाई देंगे और वो ऑल ओवर बॉडी में दिखाई देंगे। आपने कार्डियो एक्टिविटी नहीं छोड़नी है, आपने अपनी डाइट का ध्यान रखना है जिसमें आपको प्रोटीन ऐड करना है भले वो लिटिल बिट ही क्यों ना हो, आपने अपने रेस्ट का भी ध्यान रखना है। अगर आपका बॉडी वेट जाता है और मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो गया है तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप जल्दी से ही इस पे कार्रवाई नहीं करेंगे और आपका एक एज फैक्टर आ जाता है तो कहीं ना कहीं आप डॉक्टरों के चक्कर में फंस जाएंगे। इसके बाद बॉडी वेट बढ़ेगा, डॉक्टर चेंज होंगे, दवाइयां चेंज होंगी, प्रॉब्लम आपकी वही रहेगी। मेटाबॉलिज्म जैसे ही आपका स्लो होने लगेगा आपकी बॉडी में आलस आने लगेगा, आपको ज़्यादा स्वेटिंग होने लगेगी, आपको कई सारी अलग प्रॉब्लम्स आएगी, आप कई बारी ब्रीथलेस होने लगेंगे, अपने से ही आप अपने ही काम को नहीं कर पाएंगे ढंग से। तो कोशिश करें कि जब भी आपकी बॉडी अलर्ट देती है आप 101% आप कार्डियो एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप बहुत बिजी रहते हैं तो कोशिश करें आप 3 से 5 किलोमीटर जरूर चलें, अपनी डाइट का ध्यान रखें और अपने रेस्ट का भी ध्यान रखें।